गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट इज वीडियो नंबर 4 ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th, एंड टुडे वी डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डेफिनेशन राइट करते हैं और फिर हम इसके कुछ 1, 2 या 3 या देखते हैं कितने एग्जाम्पल हम इसके स्टडी कर पाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स बोल दो, ठीक है, या कंपाउंड भी बोल सकते हो आप। एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी कंबाइन हो सकते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड गिव्स आउट सिंगल न्यू प्रोडक्ट is called combination reaction। नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब 2 या 3 या 4 या 5 आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट हमें दे दे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बताया था। जैसे ए एक अलग एलिमेंट था, बी एक अलग एलिमेंट था, सी एक अलग एलिमेंट था, डी एक अलग एलिमेंट था, ये चारों आपस में रिएक्ट हुए, एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और एक नया प्रोडक्ट, एक नया कंपाउंड बनकर आ गया, ABCD। तो इस रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? इस रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि ये जो रिएक्टेंट साइड है, ये कौन सी साइड होती है? रिएक्टेंट साइड में आपको दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलेंगे, बट जो हमारी प्रोडक्ट साइड होगी वहां पर आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान है। हालांकि एक एक्सेप्शन आने वाला है आज ही, वो मैं आपको उसी टाइम पे क्लियर कर दूंगा। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इन्हीं रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लिखते हैं यहां पर, दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो कोल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी हां, इनी रिएक्शन को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। बट ये नहीं है कि आप डेफिनेशन सेम लिखोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट होगी। क्या रहेगी? द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आउट का वर्ड मतलब समझते होंगे बाहर निकलती है, या कई बार इसकी जगह लिखा जाता है वर्ड इवोल्ड आउट। क्या लिखा जाता है? इवोल्ड आउट। आप कोई भी एक वर्ड लिखिए चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्या है डेफिनेशन? क्या है? द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आउट, इवोल्ड आउट, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको डेफिनेशन तो क्लियर होगा। बहुत सिंपल है, कोई क्रैमिंग सिस्टम नहीं करना है। कॉम्बिनेशन नाम से ही क्लियर है, कंबाइन हो जाना, दो चीजें मिलकर एक नया चीज बन गया, समझ रहे? दो एलिमेंट मिलकर दो कंपाउंड मिलकर आपस में और एक नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, एक्सो वर्ड का मतलब होता है आउट होना, और थर्मिक का मतलब थर्मल मतलब हीट का, एनर्जी का बाहर निकलना रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप आपको डेफिनेशन तो क्लियर होगी। अब आप बचते हैं रिएक्शन को हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो रिएक्शन तो बहुत सारी है, ठीक है, जैसे देखो H2+N2 तो क्या बन गया? NH3। क्या बन गया? NH3। H2 क्या होता है? हाइड्रोजन। N2 क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या बन गया? NH3। NH3 क्या होता है? अमोनिया।
NH3 क्या होता है, अमोनिया। तो देखो यहां पर दो मिलकर एक बन गया, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्लस क्या होता है, प्लस हीट निकलती है, प्लस निकलती है हीट। देखो मैंने ये डेल्टा का सिंबल बनाया है, क्या सिंबल बनाया है, डेल्टा। देखो मैं दोबारा बना देता हूं, ये क्या सिंबल बनाया है हमने, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा। और ये सिंबल किसका होता है, हीट का। आज के बाद आप याद रखना, कहीं भी ये ऐसा ट्रायंगल शेप में मैं डेल्टा बनाऊंगा तो वहां पर हीट होगा। क्या मतलब होगा, कि वहां पर हीट है। तो हीट निकली ना, देखो प्रोडक्ट साइड लिखा मैंने हीट। अगर यही सिंबल मैं यहां लिखता एरो के ऊपर, यहां लिखता या रिएक्टेंट साइड लिखता, तो इसका मतलब हीट वहां पर यूज हुई है, खर्च हुई है, समझ रहे बात। बट यहां पर नहीं लिखा हमने, हमने कहां लिखा है हीट का सिंबल, लास्ट में। इसका मतलब हीट बनी है, हर एक रिएक्शन में अलग अलग अमाउंट में हीट बनती है, ठीक है। अब बहुत सारे रिएक्शन लिखते हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुई तो बन गया CO2, ठीक है। और भी लिख सकते हो, सोडियम की रिएक्शन हुई किसके साथ, Cl2 के साथ, बन गया NaCl। बस समझ में आ गया। और भी बहुत सारी है, H2 प्लस Cl2 क्या बन गया, HCl। प्लस इन सब में आप क्या लिख दोगे, डेल्टा। डेल्टा का मतलब इनमें क्या बन रही है, हीट। क्या बन रही है, हीट। मतलब जिस बीकर में, जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन करवाओगे, वो बीकर रिएक्शन करवाने से पहले ठंडा होगा, कूल होगा, लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो बीकर को आप हाथ लगा के देखोगे, टच करके देखोगे, तो आपको गर्म नजर आएगा, हॉट नजर आएगा। बस समझ आ रही है। अरे भैया, जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो किसी ना किसी बीकर में या किसी ना किसी कंटेनर में करवाओगे ना, आप उस कंटेनर को रिएक्शन होने से पहले हाथ लगा के देखना, टच करके देखना, वो ठंडा होगा। और जब रिएक्शन हो जाएगी, फिर आप उस बीकर को हाथ लगा के देख लेना, वो बीकर आपको हल्का सा या थोड़ा सा या ज्यादा सा गर्म मिलेगा। डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सी है, क्योंकि ये सब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इनमें हीट तो बनेगी लेकिन इक्वल नहीं बनेगी, किसी में हीट बहुत ज्यादा बनेगी, किसी में हीट बहुत कम बनेगी। आप और लिख सकते हो, ठीक है, SO2 प्लस O2 बन गया SO3, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये तो लिस्ट ही नहीं खत्म होगी, समझ में आ रहा है। NH3 प्लस HCl, ठीक है, बन जाएगा NH4Cl, क्या बन जाएगा, NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। बस समझ आ गया। देखो NH3 है तो अमोनिया, NH3 है तो अमोनिया, NH4 है तो अमोनियम, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन है, और मैं आपको बता दूं इनमें से कोई भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन या व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ना ही NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना ही CBSE के बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना ही HBSE हरियाणा बोर्ड के एग्जाम के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनमें से कोई भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया। तो मैं यहां से पहले हट जाता हूं, आप इस ब्लैक बोर्ड का स्क्रीनशॉट लो और इसको कॉपी में नोट करो, फिर मैं आपको NCERT की मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूं, कॉम्बिनेशन या एक्सोथर्मिक की। सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं 3 तक काउंट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, 1 2 3, ठीक है। आप, मुझे लग रहा है कि आप सबने नोट कर लिया होगा, तो मैं इन सबको रिमूव कर देता हूं। अच्छा, रिमूव करने से पहले एक मैंने बैलेंसिंग सिखाई थी आपको, इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं जल्दी से। यहां हाइड्रोजन 2, यहां हाइड्रोजन 3, यहां नाइट्रोजन 2, यहां नाइट्रोजन 1, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गए, बट हाइड्रोजन कितने हो गए प्रोडक्ट साइड में, 6, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 × 6 बैलेंस। नेक्स्ट सेक्शन, CO प्लस O2 बन गया CO2, तो कार्बन यहां 1, यहां 1, यहां ऑक्सीजन 3, यहां ऑक्सीजन 2, तो मैं क्या करता हूं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए, या ऐसा करते हैं हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे कर देते हैं 2 से, तो यहां पर भी 2 आएगा, तो देखो 2 कार्बन 2 कार्बन, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 ये और 2 ये, तो रिएक्टेंट साइड टोटल ऑक्सीजन 4, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 4। अब देखो इस मेथड का नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड, मैंने प्रीवियस वीडियो नंबर 2 में ये बताया आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो मैंने पहले यहां पे 3 लगा दिया था, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि 3 लगाने से काम होने वाला नहीं है, तो 3 को हटाओ और 2 लगा दिया। हिट एंड ट्रायल मेथड आपको ट्राई करना है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, बैलेंस करने की कोशिश की, नहीं बैलेंस हुआ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सेकंड टाइम ट्राई करो, सेकंड टाइम भी ट्राई नहीं होता तो थर्ड टाइम ट्राई करो, थर्ड टाइम भी ट्राई नहीं होता तो फोर्थ टाइम ट्राई करो,
हंगर में, और सबका आंसर सेम भी हो सकता है क्योंकि आप इस टू की जगह फोर लगा दो, इसकी जगह भी फोर लगा दो, तब भी ये बैलेंस है। समझ रहे हो, तो आंसर भी सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड कोई नहीं है कि आपको कार्बन पहले बैलेंस करना है, ऑक्सीजन पहले बैलेंस करना है, हाइड्रोजन पहले बैलेंस करना है, नहीं। किसी के एटम ज्यादा है तो उसको बैलेंस पहले करना है, किसी के एटम सबसे कम है उसको बैलेंस, नहीं। कोई ऐसा प्रॉपर मेथड नहीं है। आप एक एक एलिमेंट के एटम को पिक करो और बैलेंस करते चलो। चलिए नेक्स्ट, ये एक मौका है आपके पास, आप वीडियो को पॉज करो और अपने आप से नोट करो, अपने आप से इसको आप बैलेंस करने की कोशिश करो, फिर आंसर मैच करो। ठीक है, आई होप आप पॉज कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो आप क्लोज हैं। सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम एक, सोडियम एक, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो, दो से मल्टीप्लाई, तो सोडियम दो हो गए, तो यहां पर दो से मल्टीप्लाई बैलेंस हो गई। H2 plus Cl2 HCl, इसको तो सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, बैलेंस। नेक्स्ट H2 plus O2 SO3, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो गए देखो, 2 3 जा 6, 6 ऑक्सीजन हो गई और दो सल्फर, तो सल्फर तो दो ही है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 और 2, तो ये गड़बड़ होगी, प्रॉब्लम होगी। तो यहां क्या करते हैं हम, 2 2 जा 4 और 2 6, नहीं 2 2 जा 4 और 2 6, 2 3 जा 6, हां बैलेंस हो गई है, सल्फर भी दो, सल्फर भी दो, ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6, ऑक्सीजन 2 3 6। नेक्स्ट इस पे ये NH4Cl, इसको बैलेंस कीजिए, कैसे करोगे तो करते हैं, देखिए नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन तीन, हाइड्रोजन तीन और एक चार, हाइड्रोजन भी चार, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। एक बार और चेक कर लो, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन तीन और एक चार, हाइड्रोजन चार, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, ये बैलेंस है, तो इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इसे कॉपी में नोट करो, फिर मैं इसके मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए पहली मेन रिएक्शन, जो सबसे मेन रिएक्शन जो पेपर में पूछी जाती है आपसे, वो पूछी जाती है देखो, CaO प्लस H2O बन गया CaOH होल ट्वाइस। ये रिएक्शन है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे आपका वो स्कूल के नॉर्मल एग्जाम हो, मई एग्जाम हो, सितंबर एग्जाम हो, ठीक है, वहां पर ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। NCERT में ये मेंशन भी है आपको, कैसे मेंशन है, वो कहेगा आपके पास एक कंपाउंड है X, आपके पास एक कंपाउंड है X, उस X की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है, जब उस कंपाउंड X की रिएक्शन वाटर के साथ होती है, ये जो X है ना, इसको X बोला जा रहा है, बस समझ आ रही है, इसको X बोला जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम होता है इसका नाम, कैल्शियम ऑक्साइड, समझ आ रही बात, और इसको हम क्विक लाइन भी बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, क्या बोलते हैं, क्विक लाइन, क्या बोलते हैं हम इसको, क्विक लाइन, और ये व्हाइट वॉशिंग के काम आता है, किसके काम आता है, व्हाइट वॉशिंग के काम आता है, किसके काम आता है, व्हाइट वॉशिंग के, बस समझ आ रही है। तो ऐसे वो आपको हिंट देगा कि एक कंपाउंड है एक्स जो व्हाइट वॉशिंग के काम आता है, उसका फॉर्मूला बताओ, तो क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, आपको पता होना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है, लर्निंग कैपेबिलिटी भी देखी जाती है एग्जाम में, समझ रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, क्विक लाइन इसको सब कॉमन नेम से जानते हैं, क्विक लाइन, ठीक है, और व्हाइट वॉशिंग के ये काम आता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए ये काम आता है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस में बनती है हीट, प्लस में बनती है हीट, प्रूफ क्या है इस चीज का, प्रूफ क्या है कि हीट प्रोड्यूस होगी, समझ रहे बात, तो इसका प्रूफ ये है कि जो आपका कंटेनर है, कंटेनर जो है वो हॉट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाने के बाद हॉट हो जाएगा। आप ये रिएक्शन अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म कर सकते हो, आप एक बीकर लोगे, आप उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालना, मतलब क्विक लाइन डालना जो व्हाइट वॉशिंग के काम आता है, उसमें वाटर डालना, तो आप क्या देखोगे, उसमें से फ्यूम्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, फ्यूम्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, और आप बीकर को टच करके देखोगे तो आपका बीकर गर्म होगा, आपका जो बीकर होगा वो गर्म हो जाएगा, इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट बनी है। सो आई होप जल्दी से आपने इसको भी कॉपी में नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको बता दिया, ये आपको लर्न होनी चाहिए और कोशिश करना यही आप एग्जाम में लिख कर आओ। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रेस्पिरेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन,
रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना। बायोलॉजी में आपके टीचर ने, आपके स्कूल टीचर ने पढ़ाया होगा रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना। तो रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक मानी जाती है। रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन मानी जाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? देखो, हमारी बॉडी में एक ग्लूकोज होता है जो हम खाना खाते हैं C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ये हम जो इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और तीन प्रोडक्ट बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर प्लस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वॉटर एंड एनर्जी। इस रिएक्शन को बैलेंस करने का बहुत इजी मेथड है, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत सिंपल है, ग्लूकोज को छोड़ के बाकी सबको 6-6-6 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला आपको? रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। प्लस क्या बनती है इसमें? प्लस बनती है एनर्जी। प्लस में क्या बनती है इसमें? एनर्जी। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। हां जी ठीक है, तो नजर आ रहा है। प्लस क्या बनती है? एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है, मैं आपको और डिटेल देना चाहता हूं, ठीक है, हालांकि देने की जरूरत नहीं है, मेरा काम हो चुका है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए मैं कुछ और डिटेल देता हूं। रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रिएक्शन। एरोबिक रिएक्शन कब होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। ठीक है, समझ आ रही बात? एरोबिक रिएक्शन में जो एनर्जी बनती है वो 38 ATP होती है। क्या होती है? 38 ATP। और ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो एनएरोबिक होता है उसमें 2 ATP एनर्जी होती है। कितनी होती है? 2 ATP एनर्जी। समझ आ रही बात? कितनी होती है? 2 ATP एनर्जी। एरोबिक में 38 ATP और एनएरोबिक में 2 ATP। आप कहोगे सर ये एटीपी क्या है? तो एटीपी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं आपको ये डिटेल इसलिए दे रहा हूं आप, ताकि आपकी थोड़ा बायो का कंसेप्ट भी क्लियर हो सके, अदरवाइज केमिस्ट्री के हिसाब से ये रिएक्शन हमारी खत्म हो चुकी है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं हम? एनर्जी करेंसी। ठीक है, देखो आप जो खाना खाते हो क्या बनता है अंदर? ग्लूकोज। आप इनहेल करते हो, सांस अंदर जब खींचते हो तो आप क्या लेके जाते हो? एयर के साथ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके तीन प्रोडक्ट बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड का आप क्या करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करके सांस बाहर छोड़कर बाहर निकाल देते हो। वाटर आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है जहां भी रिक्वायरमेंट होती है, और बचा हुआ वाटर यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। एनर्जी, एनर्जी से आप जानते हो आप फिजिकल वर्क भी करते हो और आप मेंटली वर्क भी यूज करते हो उस एनर्जी को। तो बात समझ आई आपको? तो ये रिएक्शन रेस्पिरेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इन रेस्पिरेशन रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। और आप ये रिएक्शन लिखोगे और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और इसको भी आप कॉपी में नोट करो। सो आई होप आपने इसको भी कंप्लीटली नोट कर लिया होगा। एक थर्ड रिएक्शन और देखिए जो इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन की बोल दीजिए या फिर आप इसको एक्सोथर्मिक बोल दीजिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की ही रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनती है, रिएक्शन होती है, तो बनता है CaCO3। बात समझ आ रही है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं हम इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। जी हां, कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ आ रही है? देखिए आपके घर में, होम्स में जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, आप वॉल्स पे क्या करवाते हो? व्हाइट वॉशिंग करवाते हो। व्हाइट वॉशिंग का मतलब आप उस पर पेंट करवाते हो ना, व्हाइट कलर का अपनी दीवारों पे, ईयर टू ईयर, है ना, करवाते हैं ना, जनरली दिवाली के टाइम पे हम करवाते हैं। तो
तो आप क्या नोट करते हो, आपने ये बात कभी नोट की होगी, जैसे आज पेंट करवाया, जैसे आज आपने अपने घर की दीवारों पे पेंट करवाया, तो एक या दो या तीन दिन के बाद उन वॉल्स पर शाइन आती है, चमक आ जाती है। पहले दिन नहीं, जैसे आज पेंट करवाया आज चमक नहीं आएगी, कितने दिन बाद आएगी, एक या दो या तीन दिन के बाद पेंट चमक आती है, वो उसका रीजन ये रिएक्शन है। हाँ जी हाँ, ये रिएक्शन है रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से आपके घर की दीवारों पे जो पेंट होता है उस पर एक दो दिन के बाद जो चमक आती है, जो शाइन आती है, उसके लिए ये रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, देखो क्या हुआ, मैंने अभी भी बताया था ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्या बोलते हैं हम इसको, क्विक लाइम, बस हमने आगे क्विक लाइम। मैंने ये भी बताया था ये किसके काम आता है, व्हाइट वॉशिंग के ये काम आता था, किसके काम आता था, व्हाइट वॉशिंग के, मतलब दीवारों पे पेंट करते हैं हम, तो दीवारों पे पेंट हो गया, हमारे आसपास एयर है, एयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्विक लाइम के साथ रिएक्ट करती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट शाइनी होता है, व्हाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से हमारी दीवारों पर, हमारे घर की दीवारों पर एक दो दिन के बाद शाइन आ जाती है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको भी आप जल्दी से कॉपी में नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक हैं, समझ रहे बात, दोबारा बता देता हूं कौन कौन से हैं। एक तो आपने किया कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ, तो क्या बनता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी रिएक्शन थी C6H12O6+O2, बन गया था CO2+H2O+एनर्जी। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन थी आपकी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ, तो बनता था CaCO3। ये तीनों रिएक्शन आपकी पेपर में आने लायक हैं, पूछी जा सकती है, डायरेक्टली पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों आपके, तीनों में से ये दो तो NCERT क्वेश्चन ही है, समझ रहे, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आता है, एक्स्ट्रा बुक में, आप एवरग्रीन या टुगेदर की बुक परचेज करते हो तो वहां ये आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बैलेंस कैसे करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 है यहां, ऑक्सीजन 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए, तो इसको 3 से कर लो, तो 3 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहां पर देखो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे बात, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 कैल्शियम हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6 और 2 8, तो यहां 3 है, तो यहां ये मतलब अब हमारा ये मेथड फेल हो गया, ये नहीं होगा, कुछ और हमें सोचना पड़ेगा, तो कुछ और ट्राई करते हैं हम। ठीक है, मतलब यहां पर ये नंबर नहीं आएंगे, कुछ और आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप इसको जैसे कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितने हो गए, और इसको आप 2 से कर लीजिए, कितने हो गए, 2 2 4 और 3 7, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको आप 2 से करो तो कितना हो गया, 2 ये ऑक्सीजन, 2 2 4 6 हो गए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब देखो शायद ये बैलेंस होगी। देखिए कैसे, 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ये रहे और 2 2 4 4 और 2 6, उधर 2 3 6 कार्बन 2 कार्बन 2, अब ये बैलेंस है, इसको भी बैलेंस आप कर सकते हो, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1। ठीक है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 और 1 2 ऑक्सीजन 1 और 1 2, ये मैंने आपको बता दिया था ये क्या था, क्विक लाइन। इसी ऐसे ही इसको बोलते हैं स्लैक लाइन, क्या बोलते हैं, स्लैक लाइन, क्या बोलते हैं हम इसको, स्लैक लाइन, क्या बोलते हैं, स्लैक लाइन, तो ये इन नाम से ही आपको दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी रिएक्शन थी, रेस्पिरेशन रिएक्शन, ये कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक सेल ऑर्गेनल होता है, ये आपको पता ही होगा, हमारी बॉडी में क्या होते हैं ऑर्गन, ऑर्गन में क्या होते हैं टिश्यू, टिश्यू में क्या होते हैं सेल, सेल में क्या होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे वहां पे लाइसोसोम होते हैं, जैसे वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है। सो आई होप आपको ये, आप, मैं कहूं कि मैंने जितनी भी रिएक्शन लिखवाई उनमें से आप ये 3 याद कर लेना, सफिशियंट, इनकी डिटेल याद रखना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।